सो हाय गाइस, स्वागत है आप सभी का और एक फ्रेश नई वीडियो में। तो हर रोज की तरह आज भी आप सभी को मैं बहुत सारे ओपी एंड इंटरेस्टिंग अपडेट्स देने वाला हूं। गाइस देखो, जैसे कि आज के इस वीडियो के अंदर हम लोग बात करने वाले आने वाले अपने गेम के अंदर नेक्स्ट फेडरल इवेंट के बारे में। यही नहीं, अभी और सुनिए। और इसके साथ में गाइस बात कर लेंगे आने वाले अपने गेम के अंदर नेक्स्ट डायमंड रॉयल के बारे में। साथ ही साथ में गाइस बात कर लेंगे आने वाले गेम के अंदर नेक्स्ट वेपन रॉयल के बारे में। और भाई देखो, यहाँ पर आप सभी के बहुत सारे कमेंट थे जॉम्बी समराई बंडल और साथ ही साथ में इवो फार्मस अपने गेम के अंदर कब तक अवेलेबल कराया जाएगा। तो गाइस आज आप लोग को मैं इसके ऊपर भी अपडेट देने वाला हूँ। अभी मजा आएगा। और यहाँ पर गाइस देखो, मेरे पास अभी भी बहुत सारे अपकमिंग इवेंट एंड अपडेट्स है जो कि आप लोग को मैं वीडियो में आगे दिखा दूंगा। और भाई देखो, कुछ सीक्रेट अपडेट वगैरह भी है, ये भी आप लोग को मैं वीडियो में आगे बता दूंगा। ये हुई ना बात। तो गाइस आज का ये वीडियो आप लोग के लिए बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। आप सभी से रिक्वेस्ट है आज के इस वीडियो को आप लोग बिल्कुल शुरू से एकदम एंड तक फुल वॉच कर लेना बिना स्किप करके। और साथ ही साथ में गाइस आप लोग वीडियो को प्लीज एक लाइक कर देना। अगर आप लोग चैनल पर पहली बार आए हो तो भाई लगे हाथ सब्सक्राइब भी कर देना। तो चलो गाइस अभी हम लोग वीडियो में आगे बात कर लेते हैं आने वाले अपने गेम के अंदर फर्स्ट अपडेट के बारे में। चलो भाई देखो अब मैं क्या करता हूँ। तो सबसे पहले गाइस आप लोग यहाँ पर एक नया फेडरल इवेंट देख सकते हो जो कि अपने गेम के अंदर आप लोग को 3 अप्रैल के दिन अवेलेबल कराए जाएंगे। तो यहाँ पर गाइस देखो, अपने फेडरल इवेंट के अंदर आप लोग को 2 रेयर आइटम मिलेंगे। एक तो अपना BTS क्रिस्टल टोकन एंड दूसरा गाइस होने वाला है ये वाला लूट बॉक्स जो कि देखने में कुछ इस तरीके से दिया जाने वाला है। बाकी देखो, ये दोनों आइटम आप लोग को मिलने वाले अपने फेडरल इवेंट के अंदर। तो यहाँ पर गाइस देखो, ये वाला फेडरल इवेंट अपने गेम के अंदर आप लोग को 3 अप्रैल के दिन ही अवेलेबल कराए जाएंगे। तो उसके बाद आप लोग BTS टोकन को ले सकते हो इसके अंदर से। बाकी देखो, आपको मैं एक ही बात बोलना चाहूंगा, स्पिन वगैरह इसके अंदर मत ही करना तो ही बेहतर है। देखो फ्री में आप लोग को एक BTS टोकन मिल जाएंगे नियोनिस्टिक टोकन से, और एक टोकन से स्पिन करके आप लोग किसी भी BTS बंडल को क्लेम कर सकते हो। बाकी गाइस देखो, आपको मैंने कल के वीडियो में कह दिया था कि भाई अभी फ्री फायर में जितने सारे इवेंट वगैरह आएंगे उन सब इवेंट के अंदर आप लोग को एक ना एक BTS टोकन मिलेगा जब तक BTS इवेंट एंड नहीं होता। और फेडरल इवेंट के अंदर आप लोग को लगभग 1000+ डायमंड लग जाएंगे। तो देखो बाकी आपके ऊपर डिपेंड करता है, मेरी मानना तो यही है कि भाई आप लोग को लास्ट स्पिन पे ही मिलेगा BTS का क्रिस्टल टोकन। सो इसके ऊपर डायमंड वगैरह खर्च नहीं करना तो ही बेहतर है। एंड आप लोग को फ्री में जो टोकन मिलेंगे उससे देकर आप लोग किसी भी एक बंडल को परचेस कर लेना, ये आपके लिए अच्छा ही होगा। बेकार में डायमंड खर्च करने का कुछ फायदा नहीं बनेगा। तो चलो गाइस अभी हम लोग वीडियो में आगे बात कर लेते हैं आने वाले अपने गेम के अंदर नेक्स्ट मे मंथ इलाइट पास के प्री ऑर्डर रिवॉर्ड के बारे में। सो यहाँ पर गाइस देखो, आप लोग को मे मंथ प्री ऑर्डर करने पर एक बैकपैक की स्किन दिया जाएगा जो कि देखने में कुछ इस तरीके से रहने वाला है। एंड ये वाला बैकपैक की स्किन आप लोग को मे मंथ इलाइट पास के प्री ऑर्डर करने पर दिया जाने वाला है। बाकी गाइस देखो, प्री ऑर्डर रिवॉर्ड तो हम लोग इसको बिल्कुल भी नहीं कह सकते। अब देखो यार, फ्री फायर के गेम के अंदर अभी जितने सारे प्री ऑर्डर गाइस आते हैं इलाइट पास में गाइस, वो बिल्कुल ही बेकार ही होता है। किसी के अंदर हम लोग को अच्छा वगैरह कुछ देखने में नहीं मिलता, नहीं हम लोग को गुलवाल मिलता है और नहीं यहाँ पर कुछ बढ़िया आइटम हम लोग को देखने मिलता है। हालांकि पहले हम लोग को बहुत बढ़िया बढ़िया आइटम देखने में मिल चुका था, लेकिन भाई देखो फिलहाल के टाइम पे बिल्कुल ही बेकार कर दिया गया है हर इलाइट पास के प्ले ऑर्डर रिवॉर्ड को। तो खैर गाइस कुछ भी हो, इस बार अपने मे मंथ प्ले ऑर्डर में आप लोग को यही वाला बैकपैक की स्किन दिया जाने वाला है। बाकी देखो, आप लोग को ये वाला बैकपैक की स्किन कैसा लगा है आप लोग जरूर बताना कमेंट सेक्शन में कमेंट करके। तो चलो गाइस अभी हम लोग वीडियो में आगे बात कर लेते हैं आने वाले अपने गेम के अंदर एक नया इमोट के बारे में। तो आप लोग गाइस यहाँ पर जो एक नया इमोट देख सकते हो आप गाइस, देखो ये वाला इमोट फ्री फायर के साथ में गाइस एक कोलैबोरेशन का इमोट रहने वाला है। और यहाँ पर गाइस देखो बता दूं आप लोगों को, कोलैबोरेशन किसके साथ में होने वाला है, आप लोगों को क्या कुछ फ्री मिलेंगे, इसके ऊपर गाइस आप लोगों को मैं पूरा एक डेडिकेटेड वीडियो बनाऊंगा नेक्स्ट वीडियो पर, जहां पर आप लोगों को मैं पूरा कंफर्म कर दूंगा कि कोलैबोरेशन स्पेशल आप लोगों को क्या कुछ देखने में मिलेंगे और भाई आप लोगों को क्या कुछ फ्री में मिलेंगे। तो चलो गाइस अभी हम लोग वीडियो में आगे बात कर लेते हैं आने वाले अपने गेम के अंदर नेक्स्ट अपडेट के बारे में। सो यहां पर गाइस देखो, आपको मैं पहले डायमंड रॉयल कंफर्म कर देता हूं और उसके बाद गाइस यहां पर बात कर लेंगे आने वाले अपने गेम के अंदर और भी बहुत सारे अपकमिंग इवेंट एंड अपडेट के बारे में। तो यहां पर गाइस देखो, डायमंड रॉयल देखने में कुछ इस तरीके से रहने वाला है और जिसके अंदर गाइस देखो कुछ ऐसा इस बार एनिमेशन दिया जाने वाले अपने डायमंड रॉयल के अंदर। कहीं ना कहीं गाइस देखो, डायमंड रॉयल के बंडल को थोड़ा सा बेस्ट बनाया गया है दूसरे बार से। तो बाकी गाइस आप लोग बताना कि आप लोग को ये वाला नया डायमंड रॉयल का बंडल देखने में कैसा कुछ लग रहा है। तो चलो गाइस अभी हम लोग वीडियो में आगे बात कर लेते आने वाले अपने गेम के अंदर नेक्स्ट अपडेट के बारे में। सो यहां पर गाइस देखो, फ्री फायर के वर्ल्ड सीरीज स्पेशल एक नया वेपन रॉयल निकल कर आया है जिसके अंदर आप लोग को ये वाला स्कर गन स्किन दिया जाने वाला है अपने वेपन रॉयल के अंदर। यहां पर गाइस देखो, आप लोग को बता के रख दूं, ये जो गाइस स्कर गन स्किन रहने वाला अपने वेपन रॉयल के अंदर गाइस, ये आप लोग को नेक्स्ट वेपन रॉयल में नहीं मिलेगा। जी हां गाइस, ये आप लोग को मिलेगा बिल्कुल मे मंथ के वेपन रॉयल के अंदर। और इसका वजह यह है कि भाई देखो, ये जो स्कर गन स्किन रहने वाले ये पूरी अपने वर्ल्ड सीरीज के ऊपर रहने वाला है, मतलब कि फ्री फायर वर्ल्ड सीरीज के ऊपर। तो भाई देखो, कहीं ना कहीं ये वाला गन स्किन आप लोग को फ्री फायर के वर्ल्ड सीरीज जिस टाइम पे अपने गेम के अंदर चलेंगे उसी टाइम पे आप लोग को देखने मिलेंगे, उसके पहले आप लोग को नहीं मिलेगा। तो गाइस यहां पर फ्री फायर का वर्ल्ड सीरीज स्टार्ट होने वाले अपने मे मंथ से और ठीक उसी टाइम पे गाइस आप लोग को स्कर गन स्किन देखने में मिल जाएंगे, या तो अपने वेपन रॉयल के अंदर या फिर किसी दूसरे वेब इवेंट के अंदर। चलो गाइस अभी हम लोग वीडियो में आगे बात कर लेते हैं आने वाले अपने गेम के अंदर नेक्स्ट अपडेट के बारे में। और मेरे भाई यहां पर आप
लोग को बता के रख दूं, अपने अप्रैल मंथ पे गाइस आप लोग को एक नया डिस्काउंट इवेंट देखने मिलने वाला है। एंड साथ ही साथ में गाइस यहां पर आप लोग को मिस्ट्री शॉप भी देखने मिलने वाला है, जिसके अंदर आप लोग को इलाइट पास दिया जाएगा। तो यहां पर गाइस देखो डिस्काउंट इवेंट एंड मिस्ट्री शॉप के बारे में आप लोग को मैं नेक्स्ट वीडियो पर कन्फर्म कर दूंगा कि भाई कौन सा डिस्काउंट इवेंट आने वाला है, उसके अंदर क्या कुछ आप लोग को मिलेंगे आप लोग को मैं नेक्स्ट वीडियो पर कन्फर्म कर दूंगा। क्योंकि आज के इस वीडियो के अंदर आप लोग को जॉम्बी से बंडल एंड इवो फार्मस के बारे में बताना है, तो भाई वीडियो बहुत ज्यादा लंबा हो जाएगा। तो चलो गाइस अभी हम लोग बात कर लेते हैं अपने इवो फार्मस के बारे में। तो यहां पर गाइस देखो आप लोग को बता के रख दूं, इवो फार्मस अब तक अपने गेम के अंदर आप लोग को देखने में मिल चुका होता, लेकिन गाइस आपको तो पता ही है कि फ्री फायर गेम के अंदर हम लोग को OB33 का अपडेट देखने में नहीं मिला था, जिसके लिए गाइस यहां पर बहुत सारे इवेंट को पोस्टपोन कर दिया गया है आने वाले टाइम के लिए। और गाइस आप सभी को मैंने पिछले वीडियो में कन्फर्म किया था, और गाइस आप लोग को मैं आज फिर से कन्फर्म कर रहा हूं कि भाई देखो फ्री फायर का इंडिया वर्जन आप लोग को आने वाले जून मंथ पे देखने में मिलने वाला है, या तो आप लोग को मई मंथ या फिर आप लोग को जून मंथ पे देखने में मिल जाएगा फ्री फायर का इंडिया वर्जन। एंड गाइस देखो फ्री फायर इंडिया वर्जन आने के लिए गाइस बहुत सारे इवेंट को पोस्टपोन कर दिया गया है। सो अभी गाइस आप लोग को मैं एक बहुत बड़ा गुड न्यूज देता हूं। अब देखो गुड न्यूज कुछ ऐसा है कि भाई देखो फ्री फायर गेम के अंदर अभी जो गोल्ड रॉयल चल रहा है गाइस, ये गोल्ड रॉयल एंड होने से पहले ही अपने प्ले स्टोर के अंदर आप लोग को फ्री फायर का इंडिया वर्जन देखने मिल जाएंगे। और गाइस आने वाले अपने OB34 अपडेट में गाइस आप लोग को फ्री फायर को अपडेट भी कर सकते हो प्ले स्टोर के अंदर से, और भाई आप लोग नया फ्री फायर इंडिया वर्जन को डाउनलोड भी कर सकते हो प्ले स्टोर के अंदर से। सो गाइस देखो अभी तक इसीलिए अपने बहुत बड़े बड़े इवेंट को पोस्टपोन कर दिया जा रहा है, ताकि भाई जैसे ही फ्री फायर का इंडिया वर्जन अपने प्ले स्टोर के अंदर अवेलेबल करा दिया जाएगा, उसके बाद गाइस अपने गेम के अंदर आप लोग को धनाधन बहुत सारे इवेंट देखने में मिल जाएंगे। तो यहां पर गाइस देखो आपको पता है कि भाई जॉम्बी समरे का बंडल भी अपने गेम के अंदर बैक आने वाला था, एंड गाइस इसको भी पोस्टपोन कर दिया गया था। और भाई इसका रीजन ये है कि भाई जॉम्बी समरे बंडल आप लोग को मिलेंगे अपने इवो फार्मस के टाइम पे ही, और जब अपने गेम के अंदर इवो फार्मस ही नहीं आया तो भाई अभी आप लोग को जॉम्बी समरे बंडल देखने में नहीं मिलेंगे। सो यहां पर देखो आप लोग मैं बिल्कुल भी फेक डेट तो नहीं बताऊंगा कि भाई इस डेट पे आप लोग को देखने में मिलने वाला है, बाकी देखो आपको बता के रख दूं गाइस अभी तक इसके ऊपर डेट वगैरह कन्फर्म इसलिए नहीं हो पा रहा है क्योंकि गाइस देखो अपने गेम के अंदर आप लोग को अभी बहुत बड़े बड़े इवेंट देखने में मिलने वाला है। जैसे गाइस देखो एक तो बहुत बड़ा इवेंट अपने गेम के अंदर फिलहाल के टाइम पे चल रहा है BTS का इवेंट, एंड गाइस देखो यहां पर अपने गेम के अंदर आप लोग को FFWS का भी इवेंट देखने में मिलने वाला है, मतलब कि फ्री फायर वर्ल्ड सीरीज। तो भाई देखो ये दोनों बड़े बड़े इवेंट के अंदर आप लोग को जॉम्बी समरी बंडल को अभी के टाइम पे अवेलेबल नहीं कराया जाने वाला है, क्योंकि मेरे भाई यहां पर गरने वाले पूरा ट्राई कर रहे हैं कि भाई फ्री फायर का इंडिया वर्जन जल्द से जल्द आप लोग को प्ले स्टोर के अंदर अवेलेबल करा दिया जाए, ताकि भाई 400 MB का गेम आप लोग डाउनलोड कर पाओ एंड बहुत ही आसानी से गेम प्ले कर पाओ 2 GB रैम या फिर 3 GB रैम के मोबाइल में। और गाइस देखो 400 MB का जब गेम रहेगा तो भाई आप लोग बड़े आसानी से खेल सकते हो, हैंग लैग आप लोग को देखने में नहीं मिलेंगे। सो यहां पर गाइस देखो आप लोग को मैं एक ही बात बोलना चाहूंगा, भाई लोग देखो आप लोग कुछ टाइम वेट कर जाओ, लगभग आने वाले एक मंथ या फिर 2 महीने के अंदर ही अपने गेम के अंदर आप लोग को बहुत सारे अपकमिंग इवेंट्स देखने में मिलने वाला है। बाकी गाइस देखो आप लोग बता के रख दो अपने गेम के अंदर आप लोग को आने वाले 10 या फिर 12 दिन के अंदर आप लोग एक बहुत बड़ा डिस्काउंट इवेंट देखने मिलेगा, उसके बाद गाइस आप लोग अपने गेम के अंदर मिस्ट्री शॉप देखने मिलेंगे 22 से फिर 23 तारीख को अपने अप्रैल मंथ पे, एंड उसके बाद गाइस आप लोग को फ्री फायर का वर्ल्ड सीरीज रमजान इवेंट बहुत सारे गाइस इवेंट अपने गेम के अंदर आने वाला है। तो कहीं ना कहीं आप लोग को फ्री रिवॉर्ड्स तो दबा के मिलेंगे ही, गाइस आप लोग को फ्री रिवॉर्ड्स को अभी क्लेम कर लो एंड उसके बाद ही फ्री फायर का इंडिया वर्जन आ जाएगा, फिर तो यार गेम में मजे ही मजे। और यहां पर गाइस देखो आप लोग को मैं एक बात बता के रख दूं, जब फ्री फायर गेम के अंदर आप लोग को वर्ल्ड सीरीज का टूर्नामेंट देखने में मिलने वाला है, मतलब कि फिर से आप लोग को रिडीम कोड मिलेंगे एंड आप लोग को फ्री रिवॉर्ड्स मिलेंगे, तो भाई ये तो बिल्कुल ही कंफर्म है कि गाइस आप लोग को आने वाले 2 महीने के अंदर फ्री फायर का इंडिया वर्जन 100% कंफर्म प्ले स्टोर के अंदर अवेलेबल करा दिया जाएगा। बाकी गाइस देखो जैसे ही फ्री फायर इंडिया वर्जन के ऊपर और कुछ पता चलता है तो भाई आप लोग को मैं नेक्स्ट वीडियो पर कवर कर दूंगा, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो गाइस मेरा वीडियो आज का ये तक था, वीडियो अगर आप लोग को अच्छा लगा लाइक कर देना, चैनल पर पहली बार आए हो सब्सक्राइब कर देना, साथ में बेल आइकन को भी ऑल ऑप्शन पर सेट कर देना, क्योंकि इस तरह का कंटेंट आप लोग को हर दिन मेरे चैनल पर देखने में मिलता रहेगा। सो गाइस सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल ऑप्शन पर सेट जरूर कर देना।